The question given is a straight line passes through a fixed point 2, 3. Locus of the foot of perpendicular on it drawn from the origin is. इसका मतलब अगर ये हमारा coordinate axis है, ये जो हमें line given है straight line, ये कुछ इस तरीके से that is passing from 2, 3. अब O से हमने एक foot of perpendicular generate किया, that is say ये origin O. इसको हम point ले लेते हैं P. इस point को ले लेते हैं E. तो ये जो है इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ट्रायंगल OAP इज राइट एंगल्ड. ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम चेक करते हैं तो हमें मिलेगा कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर. अब OP कितना होगा, P को हम ले लेते हैं H कॉमा K कोई पॉइंट हमारा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा. OP लेंथ आ गई हमारे पास, हमने AP भी लिख लिया, अब OA भी हमने लिख लिया. ठीक है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 दैट इज 13. ये 13 हो जाएगा, दैट मींस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, दैट मींस ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस ऑफ 4h माइनस 6k प्लस 13 इज इक्वल टू 13. तो 2 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3k इज इक्वल टू 0. दैट मींस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3k 0. और h कॉमा k तो लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो h कॉमा k को हम x कॉमा y से रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द लोकस. अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारा ऑप्शन माइनस 2x माइनस 3y ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर.